सबको गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। हम लोग पहली प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आपने हमें रात भर संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु। विनती करता हूँ आज के इस दिन पर आपकी आशीष हो पिता, इस कार्यक्रम पर आपकी आशीष हो प्रभु। मुझे अकल और बुद्धि ज्ञान समझ देना ताकि अच्छे से इस प्रोग्राम को लीड करने पाऊँ, और जितने भी लोग इस प्रोग्राम में प्रभु जी प्रे करते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, उन सबके साथ में प्रभु। छोटी सी विनती आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मौका देने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने भाई दीपक का। और जैसे कि हाँ, हम सबको पता है अब ठंड आ चुकी है, और ठंड में हम सब स्पेशली बच्चे बहुत लेजी फील करते हैं कि सुबह सुबह उठे या स्कूल जाए या कुछ भी काम करने में हम जैसे बहुत लेजी फील करते हैं। और साथ ही साथ में जैसे कि दिसंबर आने वाला है और हम सब प्लान करेंगे कि अच्छा क्रिसमस के टाइम पे हम अपना घर सजाना है, क्रिसमस ट्री सजाना है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों को हम लोग प्लानिंग करते हैं। वैसे ही आज की स्टोरी जो शिकागो से आई है, ये मिसेज रूत की कहानी है। मिसेज रूत भी अपने उनका नवंबर का महीना चल रहा होता है, और वो इस ठंड में कोशिश कर रही होती है कि वो कम से कम जो भी उनका खर्चा हो वो कम से कम कर सके। बट इस बार जो होता है उनके फेस पे कोई एक्साइटमेंट नहीं होता कि क्रिसमस आ रहा है, जैसे बाकी लोग अपना घर सजाएंगे, बाकी लोग केक्स बनाएंगे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपने घर में कर सकेंगे क्रिसमस के लिए। वो इस बार उनके लिए कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होता। वो ये सोचती है कि क्या करना है मुझे, और वो बहुत सैड होती है। और उनकी जो सैडनेस की वजह होती है वो होते हैं कुछ ही महीने पहले उनके हस्बैंड जो होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। इस वजह से वो इस बार डिसाइड करती है कि मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करूंगी, ना क्रिसमस ट्री, ना केक्स, ना डेकोरेशन, कुछ भी नहीं करूंगी। और क्योंकि वो अकेली होती है, उनके पास कोई बच्चा भी नहीं होता, तो इसीलिए वो सोच रही होती है कि मैं अकेले अपना क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करूं। तो एक दिन ऐसे ही होता है, वो अपने जॉब से भी परेशान होती है क्योंकि उनके जो बॉस होता है वो उनको सैलरी भी इस महीने की नहीं दे पाया होता है। तो ऐसे ही एज यूजुअल वो एक दिन अपने जॉब के लिए जाती है। सुबह वो जाती है, टाइम से रेडी होती है, कोट पहनती है, शूज पहनती है, और बाहर ठंड में अपना छाता लेके निकलती है। जैसे कि बर्फ पड़ रही होती है और वो उस टाइम पे इतना ज्यादा लेजी फील कर रही होती है कि मेरे को जाने का मन नहीं कर रहा, और वैसे जैसे कि बॉस मेरे को सैलरी भी नहीं दे रहा, तो फिर उसके दिमाग में काफी चीजें बेकार सी आ रही होती हैं। तो मिसेस रूथ अपने काम पे जाती है, अच्छे से काम करती है, और काम से जब वो लौट रही होती है तो अपने घर में जो लेटर बॉक्स होता है उसमें एक चिट्ठी ऐसी टेढ़ी स्लाइडिंग करते हुए पड़ी हुई होती है। वो देखती है और सोचती है कि इस वक्त मुझे कौन लेटर भेजेगा, अगर हो सकता है क्या पता मेरे बॉस ने सैलरी भेजी हो। तो वो बड़े एक्साइटमेंट के साथ अपनी जो वो लेटर होती है वो घर को घर के अंदर ले जाती है, दरवाजा खोलती है और टेबल पे वो लेटर रख कर एक गिलास पानी पीती है। और पानी पीने के बाद जैसे ही वो बैठते हैं आराम से, वो देखते हैं उस लेटर को ध्यान से, तो वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। उस लेटर में ना तो कोई स्टैम्प होता है, ना ही कोई पोस्ट कार्ड होता है, और ना ही कोई एड्रेस लिखा होता है। बड़े अजीब सी बात होती है। वो सोचती है कि शायद से पोस्टमैन ने गलती से यहाँ डाल दिया होगा, अगर मेरा होता तो शायद मेरा एड्रेस लिखा होता घर का, पर वो घर का एड्रेस भी नहीं लिखा होता है। इस वजह से वो क्या करती है, सोचती है कोई बात नहीं, फिर भी मैं एक बार खोल के देख लेती हूँ। और वो जैसे ही लेटर को खोल के देखती है तो अंदर एक छोटा सा लेटर लिखा होता है। उसमें लिखा होता है डियर रूथ, और उसके बाद लिखा होता है मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ आज, तुम्हारे घर आ सैटरडे नाइट को मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, और तुम मेरा इंतजार करना, लव ऑलवेज जीसस। बस इतना सा लिखा होता है और वो लेटर पढ़कर रख देती है। फिर से वो अपने काम में लग जाती है, तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो सोचती है जीसस, जीसस ने मुझे लेटर भेजा है, और वो तुरंत उस लेटर को फिर से पढ़ती है।
दो तीन बार पढ़ती है, उसको विश्वास नहीं होता कि जीसस ने मुझे लेटर भेजा है। और वो सोचती है सैटरडे नाइट, मेरे पास तो कितना कम टाइम है, आज फ्राइडे है और कल सैटरडे है, मुझे कितनी सारी तैयारी करनी है, आफ्टर ऑल जीसस मेरे घर आने वाले हैं। ये सोच के वो काफी चीजें सोचने लगती है, अच्छा मैं ये करूंगी, मैं ये बनाऊंगी, ये करूंगी, और ये सोचने में लग जाती है। तो उसके दिमाग पे आता है पहले मैं देख तो लूं कि मेरे घर में कुछ सामान है कि नहीं है। तो वो जैसे ही अपने किचन जाती है, ड्रॉर खोलती है, सब देखती है तो उसके ड्रॉर्स खाली होते हैं। जैसे कि उसकी सैलरी आई नहीं होती है तो इस बार उसके पास कोई सामान भी नहीं होता है। और वो इतनी ज्यादा उदास हो जाती है, वो सोचती है कि जीसस मेरे घर पहली बार आ रहे हैं, जरूर कोई ना कोई स्पेशल कोई मकसद होगा उनका, इसीलिए शायद मेरे घर में वो पहली बार आ रहे हैं। और ये सोचकर वो सोचती है कि मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है, मैं उनको क्या सर्व करूंगी। और इतना डिप्रेस्ड हो जाती है। और उसके बाद वो सोचती है कि मैं ये तो देखूं चलो मेरे पास कितने पैसे बचे हैं। वो अपने रूम में जाती है, कुछ ड्रॉर्स खदोड़ती है और उसको पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 7 सेंट्स कुछ है पैसे, जो उसके पास बचे कुचे कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। और वो ये सोचने में लग जाती है कि अब इनमें इससे तो कुछ भी नहीं आ पाएगा, मैं क्या लेके आ सकती हूँ इससे। तो वो उतने में ही डिवाइड करती है कि अच्छा इतने का मैं दूध ले लेती हूँ और कुछ ब्रेड ले लेती हूँ कि हॉट ड्रिंक और ब्रेड मैं सर्व कर सकती हूँ। वो अपना कोट पहनती है, शूज पहनती है और उसके बाद वो ग्रोसरी स्टोर पर चली जाती है। वहां निकलती है तो वहां पर जो सामान लेती है, फिर उसकी लिस्ट वहां और बढ़ जाती है। वहां जैसे ही वो सामान ले रही होती है तो जितना का उसे सामान लिया होता है वो 12 सेंट्स का हो जाता है। तो दुकान वाले को बोल देती है कि तुम रखो, मेरे पास जब पैसा होगा मैं तुम्हें लौटा दूंगी, अभी मेरे को जल्दी है क्योंकि मेरे घर में एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। और इतना बोल के वो सामान लेके आ जाती है। सामान में ब्रेड होता है, बटर होता है, मिल्क होता है और कुछ कुकीज होती है। ये सब लेके वो घर आती है और अच्छे से उनको लगाकर टेबल पे रख देती है। फिर उसको याद आता है कि मैं शायद से कुछ और अच्छा चीज के लिए लेके आ सकती हूँ, क्यों ना मैं वेजिटेबल्स लेके आऊँ ताकि मैं फ्रेश फ्रेश सैलेड बना सकूँ। तो फिर से वो अपना कोट वगैरह पहनकर बाहर जैसे ही स्टेप करती है तो उसको एक बूढ़ा और बूढ़ी ओल्ड कपल दिखते हैं जो उसके घर की स्टेयर्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनको देख के सोचती है कि वो लोग बहुत गरीब होते हैं ना, इतने गरीब होते हैं कि उनके पास बिल्कुल कपड़े नहीं होते और ना ही इतने ज्यादा वो होते हैं कि उनके पास अच्छे से कपड़े हो, बट इतना होता है कि जो बूढ़ी लेडी होती है उसके पास प्रॉपर ठंड के कपड़े नहीं होते हैं और शूज नहीं होते हैं। जो हस्बैंड होता है वो मिसेज रूथ को बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप हमारी कुछ खाने से और कुछ कपड़ों से मदद कर सकती हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को फीवर है और मेरी वाइफ को बहुत ठंडा लग रहा है। तो मिसेस रूथ जो होती है पहले तो वो थोड़ी अजीब से बिहेव करती है, बहुत वियर्ड बिहेव करती है। वो बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, मेरे पास हालांकि खाना है बट वो मेरे एक स्पेशल गेस्ट के लिए है जो कभी भी किसी वक्त भी आ जाएंगे तो मुझे उनको देना पड़ेगा, वो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, और कपड़े मेरे पास यही कोट है जो मैंने पहन रखा है। वो ऐसे बोल देती है और उसके बाद वो अपने घर से बाहर निकल के स्टोर की तरफ जाने लगती है। जाते जाते उसके दिमाग में बहुत गिल्टी फील होता है कि ठंड के टाइम पे बर्फ पड़ रही है और ऑलरेडी वो जो लेडी है उसको बुखार हो रखा है, क्यों ना मैं मदद ही कर दूं। और वो क्या करती है, फिर उनको रोकती है, वो बोलती है रुकिए, मेरे पास जो भी है मैं आपको खाने का दे रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपने गेस्ट के लिए कुछ ना कुछ और प्रोवाइड कर दूंगी, आप ये खाना रख लीजिए। तो ब्रेड, बटर और जो भी वो लेकर आई होती है वो सारा उनको दे देती है। फिर वो जाने लगते हैं तो वो देख रही होती है कि जो बूढ़ी लेडी है वो ठंड से कपकपा रही होती है। तो वो बोलती है कि आप
आप मेरा ये कोट ले लीजिए, मेरे पास तो स्वेटर है, मैं स्वेटर पहन सकती हूँ, मेरे पास काफी चीजें हैं जो मैं पहन सकती हूँ। आप मेरा ये कोट ले लीजिए। वो तुरंत उतार कर अपना कोट वो दे देती है। और वो दोनों जो ओल्ड हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगते हैं। जैसे ही रूथ उनको दे देती है सामान और अपने घर में जाती है, तो अचानक से जो एक लेटर, वो जो उसका लेटर बॉक्स होता है, उसकी घंटी बजती है। तो वो सोचती है अंदर से, एक और लेटर। पहली बार जिंदगी में, जब तक वो उस घर में थी, पहली बार दूसरा लेटर सेम ही डे में उसके पास आया। और वो ये चीज बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही दिन में दो दो लेटर आ सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो वो जाती है, वो लेटर को देखती है, और जैसे पहला लेटर था, ना कोई पोस्ट कार्ड, ना कोई लाइक स्टैम्प, ना कोई एड्रेस, सेम वैसे ही होता है। तो वो खोल के देखती है, और खोल के वो देखती है जब, तो उसमें लिखा होता है डियर रूथ, और उसके आगे लिखा होता है थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी मदद करी, तुम्हें एक बार फिर से इस तरह देखे मुझे खुशी हुई। और वो बोलता है, उसमें लिखा होता है कि और थैंक यू सो मच, तुमने इतना अच्छा खाना दिया और साथ ही साथ में एक सुंदर कोट के लिए, लव ऑलवेज जीसस, उसमें इतना सा लिखा होता है। वो ही सोचती है कि जीसस ने फिर से उसको लेटर भेजा, मैं जीसस तो मेरे घर में आए ही नहीं, और उन्होंने ये लेटर कैसे भेज दिया करके। उसके दिमाग में काफी चीजें चल रही होती है। पर वो जैसे ही अंदर जाती है और वो प्रेयर करती है इस बारे में, तो अचानक से उसका डोरबेल बजता है। डोरबेल बजता है, तो पहला जो डोरबेल बजता है उसमें उसके बॉस ने उसकी सैलरी भेजी होती है। और फिर से कुछ टाइम बाद डोरबेल बजता है, तो एक ग्रोसरी स्टोर से ढेर सारा पूरा महीने का सामान उसके पास, उसके लिए आया होता है। वो पूछती है किसके लिए, मेरे पास तो उसके पैसे भी नहीं है देने के लिए, मैं कैसे दे सकती हूँ, ये सब मैंने नहीं मंगाया है। तो वो मिसेज रूथ को वो जो ग्रोसरी स्टोर वाला बोलता है कि हमारे बॉस ने ये आपके लिए स्पेशली भेजा है। तो फिर उसके बाद वो जीएस का धन्यवाद देती है अंदर जाकर कि उसकी जरूरतें भी पूरी हुई जब उसने दूसरों की मदद करी। जब हम बाइबल में मत्ती 25 का 37 से 40 पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझे मिलने गए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। इस छोटी सी कहानी से हम ये सीखते हैं आज कि पहली चीज, हमारा विश्वास मिसेज रूथ की तरह होना चाहिए। क्या हम भी मिसेज रूथ की तरह हैं, अपनी चीजों को देने के लिए हम कभी भी कुनकुनाते नहीं हैं? जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें उससे बड़ी बड़ी आशीषों से भर देता है, जैसे मिसेस रूथ के साथ हुआ। उन्होंने अपना ग्रोसरी का जो भी सामान लेके आई थी वो दे दिया, कपड़े दे दिए, और जब उनको उन्होंने वो दिया तो उनको उससे डबल आशीषें मिल सकी। अगर जब हम अपनी लाइफ में सेम ऐसी चीज करेंगे, हमारे पास जो है आज, अगर हमारे पास एक रोटी है, क्या हम उसको शेयर करके यूज करते हैं, क्या हम शेयर करके खाते हैं? जब हम शेयर करेंगे, जब हम दूसरों को देंगे, तो जीएस पापा जो है हमारी मदद करेंगे, हमें उससे भी डबल आशीषों से भर देंगे। और दूसरी चीज हम इस कहानी से सीखते हैं कि हमारा विश्वास, हमारे जो जीएस के साथ कनेक्शन है, वो मिसेस रूथ की तरह होना चाहिए कि जीसस पापा हमसे बात कर सके, हमसे मिलने आ सके। और जैसा बाइबल ने बताया, जब हम किसी और के लिए मदद करते हैं, तो वो हमने सारी मदद किसके लिए करी है? जीसस पापा के लिए करी है। तो आज परमेश्वर हमें मदद करे कि हम मिसेस रूथ की तरह बन सके, और इस कहानी से आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 देते हैं सामर्थ्य परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर।
ईशा जी हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के पिता कहानी के लिए जो गरिमा दीदी ने बहुत अच्छी से सुनाई मेरे पिता परमेश्वर, और जितने बच्चों ने बाइबल वर्ड्स बोले मेरे पिता परमेश्वर, उन सबों को आशीष देना पिता, और अपनी सेवा में ऐसे इस्तेमाल कीजिएगा मेरे महान जी परमेश्वर मसीह। हम भी पिता परमेश्वर वो कहानी के अनुसार पिता जो थी परमेश्वर मसीह उनकी तरह बनने पाए पिता, हम भी गरीब की मदद करने पाए पिता, आप हमारी सहायता कीजिएगा मदद कीजिएगा, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने ये प्रार्थना सुना हम आपका धन्यवाद देते हैं, ये छोटी विनती मांग लेते हैं दया कर पिता जीवित यीशु मसीह के नाम में सुना ग्रहण कर आमीन।